हे गाइस, किसी भी ट्यूब में लिक्विड किस फ्लो रेट से फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर को क्या करते हैं, उस ट्यूब में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसमें इस तरीके की दो वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं। जैसे ही आप लिक्विड इसमें फ्लो कराना शुरू करते हो, लिक्विड इसमें राइज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। कुछ लिक्विड इसमें राइज करेगा, कुछ इसमें राइज करेगा, और दोनों के लेवल में कुछ एच का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर प्यारे बच्चों आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना चाहते हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, जहां पर A1 क्या है, इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया, और A2 क्या है, इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया, और H क्या होता है, दोनों ट्यूब्स में लिक्विड की हाइट में जो डिफरेंस है वो H है। उसको जैसे ही आप यहां पे रखोगे आपको फ्लो रेट मिल जाने वाला है कि लिक्विड किस फ्लो रेट से वहां पर फ्लो कर रहा है।